पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया है और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है सर। सबसे पहले तो इस बजट में क्या खास बिहार के लिए जिस पर ध्यान दिया गया? देखिए, इस बजट में हमने वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों का जनता से हमने वादा किया था चुनाव में गए थे, और आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 की कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने तैयार की, वो सारी चीज़ें आज के बजट में समाहित है और वो सारी चीज़ों पर हम सब काम करेंगे। जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसमें जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्रों को हम सबों ने छूने का प्रयास किया है, और वो सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से दिखेगी, चाहे खेत में पानी देने की बात हो, युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करने की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के लिए पंचायती राज को हम शक्ति देने जा रहे हैं कि वो जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको कैसे करें, शहरी क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को हम लागू करने जा रहे हैं, जल जमाव के कारण शहर के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, प्रत्येक शहरों में सवदाह गृह विद्युत चालित हम सब करने जा रहे हैं, और इसके अलावा जो उद्यमिता के क्षेत्र में नौजवानों को 1% पर 5 लाख अधिकतम 5 लाख रुपया हम अनुदान देने जा रहे हैं, 5 लाख रुपया का ऋण देने जा रहे हैं, जो हमारी बहनें हैं वो अगर उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो उन्हें सूद रहित 5 लाख रुपया का हम सब अधिकतम अनुदान देंगे, 5 लाख रुपया उन्हें कर्ज के तौर पर देंगे, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये कई चीज़ें हैं जो इस बात का द्योतक है कि उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मुझे तो 5 वर्षों के लिए जनादेश मिला है, लेकिन हम उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि मात्र 2-3 महीने में सरकार ने जिन चीज़ों को जनता के बीच कहा है या जो कार्य योजना NDA सरकार ने बनाई है तो उस पर हम सबों ने काम करना शुरू कर दिया है और वो दिखना भी शुरू हो गया। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के कई योजना का शुभारंभ किया, वो सारी चीज़ें निहित थी, और भी कई विभाग में हम सबों ने काम करना प्रारंभ किया है और वो सारी चीज़ें दिख भी रही है, आने वाले दिनों में दिखेगी। सर, अब जितने विभाग है उस सभी विभागों को ध्यान दिया गया, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा 21% के आसपास बजट जो है उसका प्रावधान किया गया है, लेकिन बजट से एक निराशा ज़रूर हो रही है कृषि विभाग में। कृषि विभाग में लगभग 2.5% जो है वो ध्यान कृषि को सिर्फ कृषि विभाग के तौर पर देखा है, कृषि के लिए कई ऐसे विभाग हैं, वो एक परिक्षेत्र है जहाँ सिंचाई है, विद्युत आपूर्ति है, फिर ये लघु सिंचाई विभाग है, वो सारे विभाग को आप जोड़ कर देखें तो कृषि प्रक्षेत्र में हमने अधिकतम राशि का प्रावधान किया है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जाए, आपको तो आप एक सर्किट के रूप में देखना पड़ेगा, कृषि सिर्फ कृषि नहीं है, उसमें सिंचाई है, सिंचाई के लिए फिर विद्युत आपूर्ति चाहिए, फिर कृषि जो उसमें उपादान है, कई चीज़ें हैं, और लघु जल संसाधन है, जल जीवन हरियाली है, सारी चीज़ों को आपको समवेत देखना पड़ेगा तब वो सेक्टर समझ में आएगा। रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ी निराशा, रोजगार के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने क्या प्रावधान, क्या वित्त बजट पेश क्षेत्र में, तो जान लीजिए कि रोजगार की तो सारी संभावनाएं सभी विभागों में हम सबों ने तलाशा है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे उद्यमिता एवं स्किल एवं उद्यमिता विभाग का हम सृजन करने जा रहे हैं, जो रोजगार के सारे अवसर प्रदान करने के लिए जो प्रशिक्षण है, जो कई चीज़ें जो हम सब आज प्रस्तुत किया है, उन सारी चीज़ों को वो कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन आपने जब बजट पेश किया उसके ठीक बाद विपक्ष की तरफ से यानी तेजस्वी प्रसाद ने PC की, जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो जूट मिल खोलने की बात की गई, ना तो चीनी मिल खोलने की बात कही गई, तो रोजगार के क्षेत्र में सरकार बढ़ावा दे ही नहीं। एक चीज़ तो आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि सरकार कोई उद्यम खड़ा नहीं करती है। हमने जो उद्यमी हैं उनको कहा है कि आप बिहार में उद्यम खड़ा करें, सरकार आधारभूत संरचनाएं आपको प्रदान करेगी एवं सपोर्ट करेगी। तो इसमें सरकार द्वारा
उद्योग खड़ा करने की बात तो एक नई बात उन्होंने कहा है, मैंने तो सरकार उद्योग लगाएगी ये मैंने कभी कहा भी नहीं है। तो पर इंडस्ट्रीज अगर सर आएंगी नहीं तो फिर किस तरीके तो से आएंगे, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देंगे, हम फैसिलिटेटर के रूप में सरकार सामने आएगी। सर मेरा एक सवाल डीजल और पेट्रोल को लेकर, वैट को लेकर के भी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? वैट के दायरे में आएगा या नहीं? सर निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें मीडिया से बातचीत भी की, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तय करेगी। सर आप खुद इलेक्ट्रिक कार से चलते हैं, ठीक है सीता, देखिए बहन निर्मला सीतारमण जी ने जब भारत सरकार और राज्य सरकार की बात की है तो जान लीजिए कि दोनों सरकार मिलकर निश्चित रूप से हर अच्छे काम को करेंगे। बंगाल सरकार ने वैट घटा दिया है, आप घटाएंगे आपको लगता है? चलिए ये आगे की बात है, अभी आज हम लोग बजट पर हैं। तो ये ताज किशोर प्रसाद है बिहार के वित्त मंत्री, और आज बजट पेश किया गया है जो कि पिछले साल से यानी पिछले वित्तीय साल से लगभग 7,000 करोड़ ज़्यादा इस बार प्रावधान किया गया है। इस बार का बजट जो है वो इस तरीके से रखा गया है जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, लेकिन रोज़गार और इसके अलावा जो अहम मुद्दा था कृषि को लेकर, उस दोनों क्षेत्र में फिलहाल जो है वो जिस तरीके से बजट में प्रावधान किया गया उस पर निराशा। लेकिन तारकिशोर प्रसाद यानी जो वित्त मंत्री हैं बिहार के, उनका कहना है कि सभी क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। इसके अलावा चूंकि डीजल और पेट्रोल को लेकर जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस पर साफ तौर पर बात करने से मना किया है तारकिशोर प्रसाद ने। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नीतीश श्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।